हाय गाइस, माय सेल्फ मेहुल जैन। तो आज मैं आपसे पूछूंगा जनरल साइंस रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर एक, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, एक सही है जवाब दीजिए। टाइम अप गाइस, तो इसका जवाब अब देखते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन डी, आर बी सी। सवाल नंबर दो, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसमें भी चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। टाइम अप गाइस, तो इसका जवाब देख लीजिए। इसका जवाब है ऑप्शन बी, फीमर की हड्डी सबसे बड़ी होती है। सवाल नंबर तीन, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है, चलिए देखते हैं आपको जवाब पता है या नहीं। टाइम अप गाइस, तो अब इसका जवाब देख लीजिए। इसका जवाब है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं सवाल नंबर चार, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इसमें भी चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। टाइम अप गाइस, तो इसका जवाब देख लीजिए। इसका जवाब है ऑप्शन डी, प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। सवाल नंबर पाँच, मनुष्य के जीवन में कितने बार दो दांत विकसित होते हैं? चार ऑप्शन है, 18, 20, 32, 10, जिसमें से एक सही है, चलिए जवाब दीजिए कमेंट में। टाइम अप गाइस, तो इसका जवाब है 20 दांत। हमारे टोटल 32 दांत होते हैं जिसमें से 20 दांत दोबारा से विकसित होते हैं। सवाल नंबर छः, मनुष्य मस्तिष्क में विधिव व केंद्र क्या होता है? इसके भी चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है, चलिए ट्राई करिए जवाब। टाइम अप गाइस, तो इसका जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर आपने सही जवाब दिया था तो वीडियो को लाइक करना। सवाल नंबर सात, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, एक सही है, चलिए जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। टाइम अप गाइस, तो अब इसका जवाब देख लीजिए। इसका जवाब है विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी होता है। सवाल नंबर आठ, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, 72 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, एक सही जवाब है। टाइम अप गाइस, तो इसका सही जवाब है 0.8 सेकेंड। अगर सही जवाब दिया था तो वीडियो को लाइक करना ताकि पता चले कि आपका जवाब सही था। नौ, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है, जवाब दीजिए। टाइम अप गाइस, तो इसका सही जवाब है विटामिन डी, जिसको हार्मोन विटामिन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन, मेलानिन, कैरोटीन, केसीन, चारों प्रोटीन में से दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 5 सेकंड के अंदर जवाब दे के दिखाइए। टाइम अप गाइस, तो अब इसका जवाब देख लीजिए। इसका जवाब है ऑप्शन ए, केसीन। तो यही था इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल। आपको ये विज्ञान के 10 मज़ेदार सवाल कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हम आपसे मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।